आ जाओ मम्मी, आ जाओ आ जाओ। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है बड़ी दीपावली, तो आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। आपकी पूरी फैमिली को विश अ वेरी हैप्पी दीपावली। और यहाँ पर टाइम जो है अभी शाम का हो रहा है, सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा था क्योंकि अपने ही थोड़े बहुत कामों में बिजी थे और फिर मन भी नहीं था, कुछ ऐसा खास था भी नहीं सुबह से जो आप लोगों के साथ शेयर करती, क्योंकि जितनी भी तैयारी है वो छोटी दिवाली तक हमने कर ही दी थी, घर की डेकोरेशन हो चाहे कुछ भी चीजें हो। इस वजह से तो अभी शाम का टाइम है, 4 इस टाइम पे बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं इस टाइम पे। और सुबह के टाइम ही ना मैंने ये उड़द की दाल जो है भिगा के रखी थी, क्योंकि रात को मैं दाल मखनी बनाने वाली हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी जो उड़द की दाल है 3-4 बार उसको वॉश कर दिया, इसको मैं बॉयल करने के लिए रख रही हूँ ताकि टाइम से खाना भी हमारा बन जाए और हम लोग फ्री हो जाए। तो यहाँ पर जो है पानी ऐड कर रही हूँ इसमें और कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। वैसे खड़े मसाले इसमें ज़रूरत नहीं होती है लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं इसका थोड़ा सा टेस्ट, तो मैं इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड करके इसको सीटी लगा लूँगी जब तक कि ये अच्छे से उबल नहीं जाती है दाल। और यहाँ पर सुबह ही मैंने सूजी का बैटर भी रेडी कर दिया था दूध के साथ वो गुलगुले बनाने के लिए, और थोड़ा चीनी इलायची पाउडर ऐड कर दिया था तो वो भी अच्छे से फूल चुका है। यहाँ पर दाल पीस के भी मैंने सुबह ही रख दी थी फर्मेंट के लिए, मतलब इसको थोड़ा सा ना वो करना पड़ता है, सुबह कर दो तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर मम्मी ने सब्जी भी बना दी थी रात के लिए, आलू गोभी मटर की, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में ना फिर हो जाता है कि काम थोड़ा सा लेट होते रहते हैं, तो इस वजह से पहले ही हमने सोचा था कि हम जल्दी जल्दी सारा काम निपटा देंगे, फिर उसके बाद पूजा वगैरह की तैयारी, खुद रेडी होना, ये सब करते रहेंगे। तो यहाँ पर दाल मैं लेकर आ गई हूँ, ये ना बहुत अच्छे से वैसे फर्मेंट हो चुकी थी, मतलब फर्मेंट का मतलब ये है कि अच्छे से फूल चुकी थी ये। तो इससे क्या होता है ना, दाल के बड़े बहुत अच्छे बनते हैं और अच्छे फूले फूले से बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं इस वजह से। तो एक बार ना मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ, भिगाते हुए मैंने इसे अच्छे से फेंटा था, अभी दोबारा मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ ताकि कोई भी कमी इसमें ना रहे। अभी इसमें मैंने कुछ भी मसाले ऐड नहीं करे हैं, सिर्फ इस दाल ही है ये। तो इसको अच्छे से फेंट के मैं रेडी कर दूंगी। और अभी जो है आप देख रहे हो हल्का सा अंधेरा भी हो गया है, यहाँ पर 6:30 का टाइम हो चुका है। और मैं बाहर गई थी कुछ काम से, हमारी एक दो चीज़ें फिर से रह गई थी, तो जब वहाँ गई थी तो फिर ये जो लाइटिंग है, मैं एक वाइट वाली लाइटिंग भी लेकर आई क्योंकि मम्मी बोल रही थी यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये फूल आप देख रहे हो ना ये जो माला है इसके आसपास ही इसी शेप में लगानी है ये वाली वाइट वाली, तो इससे ना लुक बहुत अच्छा आ गया था, तो फिर यही हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कीले पहले से ही हैं तो इजीली ये तार, मतलब ये जो लाइटिंग है ये लग चुकी थी। और अभी कल ही मेरे को एक कमेंट आया कि आप पूजा आपके हस्बैंड आप लोगों की हेल्प नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो हेल्प कर देते हैं। और ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है लाइटिंग डेकोरेशन, और मुझे लगता है हर घर में बहुत कम होते होंगे जेंट्स जिनको डेकोरेशन वगैरह वो खुद से करते होंगे, अदरवाइज लेडीज़ को ही ज़्यादा शौक होता है घर वगैरह सजाने का, तो उसमें से हम भी आते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही परफेक्टली हर चीज़ कर सकते हैं डेकोरेशन में। तो वहाँ पर जेंट्स का कोई रोल नहीं है कि उनके लिए मैं उनको बोलूँ कोई हेल्प के लिए, और ये डेकोरेशन में इतनी बड़ी कोई हेल्प चाहिए नहीं होती है, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर वो हेल्प कर देते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि खुद से हो रहा है तो फालतू में क्या ही हेल्प लेना। और ये लड़ियाँ लगाना तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता ही है, सीढ़ी हमारे पास आई, सबसे बड़ा हेल्पर तो यही है कि कुछ भी सफाई करनी हो, पंखे साफ करने हो, कुछ भी चीज़ें हों ऊपर से निकालनी हो, तो ये सीढ़ी है ही हमारे पास, इसलिए तो ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करते, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करते हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे नहीं करते हैं, और मैं दिखाती भी नहीं हूँ आपको पता ही है इस वजह से। तो यहाँ पर अभी जो है पूरा हमारा काम कुम सारा निपट चुका है, यहाँ पर अब मैं जो है रेडी हो रही हूँ, मम्मी और मैं रेडी हो रहे हैं, और इन बच्चों को इतना बोला ना रेडी होने के लिए लेकिन दोनों नहीं माने, वो बस उन्होंने जो कपड़े नहाकर पहने हुए थे वही कपड़े पहने हुए थे, उसके बाद कपड़े चेंज नहीं करे कि हमें नहीं पहनना। मैंने सिया को इतना बोला बेटा लहंगा पहन ले, लहंगा पहन ले, मतलब हमारे टाइम पे हम लोग इतना एक्साइटेड रहते थे ना नए कपड़े पहनने के लिए, या कोई बोल तो दे पहनने के लिए, लेकिन ये दोनों के दोनों पता नहीं क्यों माने नहीं, मतलब आशी ने नहीं पहने तो सिया ने बोला मैं भी नहीं पहनूंगी, तो जो नहाकर पहने हुए थे कपड़े उन्हीं कपड़ों में ये रहे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आगे ब्लॉग में आपको दिखेंगे फिर
कुछ लोग सोचें कि इनके बच्चे रेडी नहीं हो रखे, तो वो उनकी वजह से ही नहीं हो रखे, क्योंकि माँ तो चाहती है बच्चे, जब हम रेडी हो रहे थे हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा से अच्छे से रेडी हों, लेकिन दोनों ही बिल्कुल नहीं माने। तो फिर मैंने कहा रहने दो, तुम नहीं मान रहे। उसके बाद ये दोनों के तरफ पापा के साथ पूरा घूमने चले गए थे बाहर, और हम लोग यहाँ पर अब रेडी हो रहे हैं मम्मी और मैं। तो मम्मी साड़ी पहन रही है, मैंने सूट पहना है, और ये सूट मेरा बहुत पुराना है, मतलब 15-16, हाँ बोल सकते हो आप 14-15 साल पुराना ये सूट है। और मैं लेकिन इसको फर्स्ट टाइम ही आज पहन रही हूँ, इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं पहना है। तो क्योंकि मेरे को लगता है कि ये ऐसा ही रहे, पहन पहन के ख़राब ना हो जाए इस वजह से, लेकिन आज मैंने कहा चलो दिवाली है तो इस तरह का सूट अच्छा रहेगा, तो मैंने फिर ये वाला सूट पहन लिया था। मम्मी ने साड़ी पहनी है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। तो वैसे तो देखो घर में आप मेरे को कभी देख लोगे तो बहुत ही सिंपल मैं रहती हूँ, जबकि मम्मी मेरे को बोलती है कि अच्छे से रेडी होके घर पे भी रहा कर, लेकिन घर पे इतना हो नहीं पाता है, मैं सिंपल ही रहते हैं घर पे तो। लेकिन जब कोई ओकेजनली ऐसे होता है या पार्टी शादी, तो उस टाइम पे मैं कोई कसर नहीं छोड़ती, मैं सारा मेकअप करती हूँ, फिर अच्छा लगता है मुझे फिर तैयार होना। तो बस यहाँ पे मैंने मम्मी को दे दिए लिपस्टिक वगैरह, मम्मी लगाती तो नहीं है लेकिन मेरे कहने पर लगा लेती है मम्मी। और फिर यहाँ पे मैंने मम्मी को कड़े भी दिए थे पहनने के लिए, ये वाले कड़े पहन लो, वो मम्मी ने पहन लिए, मम्मी रेडी है। तो मम्मी जा रही है पूजा वो करने, फिर मैं भी बस रेडी होकर हम भी पूजा, मैं दिए वगैरह जलाऊंगी पहले, फिर मम्मी और मैं बैठ के जो है पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने दिए भी रेडी कर दिए लगाने के लिए, और सिया मेरे को बोल रही थी मम्मी जब मैं ये बंदूक चलाऊंगी उस टाइम पर अब बाहर आना। तो बच्चे भी ना क्या क्या सोचते हैं बता रही, तो पटाखे फोड़ रही थी, मैं पटाखे फोड़ूंगी तब आप दरवाजे के बाहर आना। तो बस यहाँ पे मैं दिए लेकर आ गई हूँ, और यहाँ पर दिए पहले यहीं पर लगाते हैं हम लोग, फिर तुलसा जी पे नल के पास ऐसे के हमारे बैग में भी जो नल है वहाँ पे, और जितने भी हमारे घर के रूम्स हैं ना, बेडरूम्स हैं या कोई सा भी रूम है, वहाँ पर भी हम लोग एक एक दिया रख देते हैं। और ये दिया ना पता है इतने अच्छे निकले हैं ना, मतलब पेंट करने के बाद इतने अच्छे हो गए हैं कि बिल्कुल भी ऑयल इसमें से गिरता नहीं है, और पूरा दिया जलता है। सबसे बड़ी बात है कि पूरा दिया जलता है, कई बार आप देखते हो कि बत्ती रह जाती है, तेल भी रह जाता है तो जलते नहीं है, लेकिन ये वाले दिए जब तक रुई ख़त्म नहीं होती है ना और तेल ख़त्म नहीं होता है तब तक ये दिए रुकते नहीं है। तो सारे के सारे दिए जो है जल चुके हैं। यहाँ पर मैंने सिया को बोला था बेटा वो वाटर सेंसर वाले जो है दिए वो लिया और तू जला दे, तो फिर सिया यहाँ पर वही जला रही है। तो एक दो जलाया, फिर उसने कहा मम्मी आप जला दो, क्योंकि ना उसको बम फोड़ने की बहुत होती, बहुत ज़्यादा थे उसको, पता नहीं कहाँ से शौक लग गया है बम का, जबकि बचपन में दोनों बहुत डरते थे छोटे में, आशी तो खासकर, लेकिन अब आशी को भी इतना शौक चढ़ गया है बम फोड़ने का, बड़े हो गए ना शायद इसलिए। तो वही है बस यहाँ पे हल्का का पानी डाल के ना ये वाले दिए मैंने लगा दिए, और इतने प्यारे लग रहे थे ना, तो मैं ये वाले दिए और लेकर आई थी क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मंदिर में भी हमने थोड़े से ये वाले भी डेकोरेट करने के लिए लगाए थे। तो और यहाँ पर मैंने बनाई थी रंगोली, तो बताना आप कैसी लग रही है रंगोली है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे पूजा। माता।
तो पूजा हमारी हो चुकी है और उसके बाद यहाँ फ़ौरन ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल उसमें गर्म करने रख दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले गुलगुले, क्योंकि जैसे कुछ कुछ आते हैं लोग तो प्रसाद लेकर तो उनको देना भी पड़ता है फिर, तो इस वजह से यहाँ पर गुलगुले और जो दाल के बड़े हैं पहले मैं वो ही बनाऊँगी। तो दो बैच करके हमने ये जो गुलगुले हैं ये बना दिए थे, और दो तीन बैच करके जो है वो बना दिए थे, दाल के बड़े बना दिए थे। बाकी तो जैसे स्वीट्स वगैरह रहती हैं साथ में तो वो हो जाएगा। तो ये तो फटाफट से बस मैं ये बना रही हूँ। उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी, तो फिर मम्मी मेरे को बोलने लगी कि तू बाहर थोड़ा सा दिखा दे, मैंने कैंडल वगैरह लगा दिए और तब तक मैं गुलगुले बना दूंगी, तो इसलिए मैं बाहर आ गई थी यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। और इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर, तो ये लाइटिंग लगाने के बाद काफी अच्छा रोशनी भी आई और अच्छा भी लग रहा है बहुत ज्यादा से। बड़ा वाला है ये, मत फोड़, तू मत फोड़। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली है ना, खूब खुशियां आए है ना, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सब सुख रहे, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे है ना, ये हाली दुआ करते हैं। हैप्पी दिवाली है ना। हाँ, तो आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी दीपावली बहुत अच्छी जा रही होगी। हाँ, तो हमारे घर में बस लगे हैं बच्चे पटाखे फोड़ने में। हाँ, अब आशी भी फोड़ रही है भाई, देखो इतने बड़े बड़े। हाँ, पहली बार आशी तो बहुत डरती थी बहुत ज्यादा, पहली बार में तो वो ऐसा हालत खराब हो गई थी। और यहाँ देखो बम फोड़ रही है, अपने पापा के साथ हसीआ है और ये दोनों के दोनों कपड़े चेंज नहीं कर रहे, इतना बोल दिया लेकिन नहीं मान रहे। वो बस मम्मी और मैं ही सजे हुए, बाकी बच्चे ऐसे ही हो गए, मान ही नहीं रहे, नहीं पहन रहा। हमने पूजा कर ली है। हाँ, और बड़े बूढ़े बना रहे हैं। हाँ, वही बता रहे थे, मैंने कहा चलो बाहर थोड़ा दिखा रहे थे, मम्मी ने कैंडल वगैरह लगाई थी। हाँ, है मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, अब अंदर चलते हैं कि कुछ कुछ कोई कोई आते हैं। दिखा दिए। हाँ, यही अभी ठीक 10 बज रहे हैं और हम लोग जो है हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया, किचन वगैरह पूरा क्लीन है, तो किचन वगैरह सारा क्लीन है, बस मंदिर में थोड़ा बहुत जो है वो उठाना है। और दीपावली भी हमारी हो गई है, वैसे जिनका हम वेट कर रहे थे अब तक वो आए नहीं है, पड़ोस में ही है, तो पता नहीं क्यों नहीं आए वो, आज 10 बज गए। आज उनका हर साल का है, कभी उनका ये नहीं होता कि वो ना आए, लेकिन उनको हर साल जाए। तो अब ये बम से बिल्कुल नहीं डर रही है, ये बम को डरा रही है। इधर आ, इधर आ, यहाँ बोलने दे। चलो चल चल, बिल्कुल भी जो है बम नहीं फूटने दे रही यहाँ पे। और ये जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में ये है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये ना इस तरह से टर्न भी होता है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर ना मुझे खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी जो है ये बना दी थी रंगोली, ऐसे सिंपल से बना दी थी, एक तो दिए वगैरह बुझ गए। हाँ, एक बम तो फोड़ दो, फोड़ भी नहीं रहे। नहीं बेटा, बम मैंने फोड़ा, तूने फोड़ा वो सुतली बम? अरे उसमें क्या, ऐसे मत फोड़। अरे उसमें यहाँ पर आशी, हेलो, हैप्पी दिवाली। मम्मी बाहर है, तो अभी 5-10 मिनट हम लोग उनका वेट करते हैं, आंटी लोगों का नहीं आएगी आंटी, फिर कपड़े कपड़े चेंज करते हैं।
और मैंने आज वाला सूट पहना था, शायद आपने देखा होगा। ये सूट ना काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत सुंदर है, पटियाला सूट है पूरा। वो मैंने को कौन खड़ा हुआ ये। तो चलिए बाहर चलते हैं, बार बार बोली मम्मी चलो। तो 5-10 मिनट क्योंकि हम भी थक गए हैं, अब रेस्ट रेस्ट के अब सोएंगे हम लोग। मम्मी दादी जो ऐसे करी ऊपर आएगा वो चिंगारी, नहीं नीचे करो उसे, हल्की सी चिंगारी आएगी ना छोड़ देना। आ जाओ मम्मी, आ जाओ आ जाओ। मम्मी करो, गले में कैसा आ रहा ना दीप सा, कान में जोर पड़ रहा क्लियर। तो यहाँ पे मम्मी ने बम फोड़ दिए हैं और उन्होंने बम फोड़ दिए हैं, सारे बम खत्म कर दिए हैं। नहीं है, दो बच्चे भी। दो है दिवाली। हैप्पी दिवाली सब। हैप्पी दिवाली।